अस्सलाम वालेकुम यार, अभी भी मैं बाहर था तो एक बच्चा आया मेरे पास और मुझे कुछ अजीब सा देखे गया। ये देखें मेरे हाथ में अभी, उसने कहा यार ये जो अंडे हैं ना, ये है बुलबुल के अंडे। वो अभी चला गया, उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं फ़ौरन से ले गया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। देखें यार, उन्होंने कहा ये तीन अंडे जो है ना, ये है बुलबुल के अंडे और ये जो साथ वाला है ना, ये है लाफिंग डव का अंडा। ये जो अंडे हैं ना, ये जंगली अंडे होंगे और मुझे नहीं पता वो कहाँ से लाया यार। मैंने ज़्यादा पूछ नहीं सका, वो जल्दी में था, वो चला भी गया। तो यार मेरे ख्याल में ये अंडे जो है ना किसी घोंसले से वो लेके आएगा। और वो ये कह रहा था कि कुछ बच्चे जो है ना उनके जो है ना घोंसले को तोड़ रहे थे या कुछ इस तरह के अंडे उनके शायद उनसे गिर गए होंगे, जिस वजह से वो बच्चा फ़ौरन से भाग के आया कि भाई ये अंडे जो है ना ये आप अपने पास रखें और इसको जो है ना किसी अपनी डव वगैरह पे या पिजन वगैरह पे बिठाएं, शायद इनमें से बच्चे निकल आएँ। तो यार ये बात है, तो मुझे समझ तो नहीं यार इनका क्या करना चाहिए। तो आपके पास अभी लेके चलेंगे और उससे पूछेंगे, उसका इसका हल बताएगा भाई क्या करना है, इनको रखना है या क्या करना है। घास डालो यार इसमें से, ऐसे तोड़ तोड़ के ना डालते जाओ, ऐसे भी किसी काम की नहीं है घास। तो यार ऊपर चलते हैं, अभी तुराप को देखते हैं कहाँ पे, ऊपर ही होगा। और जो है ना ये अंडों का भी कुछ करते हैं यार, थोड़ा आपको यार बताऊंगा, वो तो शौक हो जाएगा भाई ये क्या चीज़ आ गई है। वैसे भाई अंडे बहुत अच्छे हैं लग रहे हैं अभी, वैसे बिठाएंगे किसके नीचे रखेंगे किसके नीचे, यही तो नहीं पता ना। यही तो तुराप से पूछना है कि रखना कहाँ पे है, यही तो मसला है, मेन मसला यही है। आ जाओ तुराप, तुराप ऊपर हो, एक सरप्राइज है भाई, इधर आओ। ये देखो भाई साहब, ये चेक करो, ये क्या लगता है किस चीज़ के अंडे हैं ये, कौन से लाए? ये इसको छोड़ दो, ये बताओ है क्या चीज़, पहले ये बताओ, तुम्हारा आज इम्तिहान है। ये मेरे ख्याल में यार डव का है, किसी डव का अंडा है ये वाला सफेद। ठीक है, ये जवाब सही है आपका, सही है। हाँ जी, और ये मुझे लग रहा है जो टटेयर होती है वो, या ये बुलबुल बुल के भी मेरे ख्याल में ऐसे होते हैं अंडे। वाह वाह वाह, सही बात है आपकी। ये हम किसी कबूतर के नीचे रख सकते हैं तो ये नहीं रख सकते, ये जो बच्चे इसके निकलते हैं ना बुलबुल की, ये फौरन जैसे चिड़िया पहले दिन का बच्चा होता है मुंह से चोंक देती है, इसी तरह से हम कैसे करेंगे मुंह कैसे खोलेगा? किसी कबूतर के नीचे या डव के नीचे रख सकते हैं, डव तो हमारे नहीं बैठी हुई अंडों पे, लेकिन हम कबूतर के नीचे रख सकते हैं ना, ऐसे जाया हो जाएंगे यार बेचारे। बात तो सुनो, ये मैं रखता हूँ यार, ये अच्छी बात है, चलो लाफिंग डव आएगी, लाफिंग डव क्या है ना, हाँ, लाफिंग डव होगी कोई तो डव नहीं, जंगली डव लाफिंग ही होती है और अच्छा। यहाँ पर हमारे इलाके में कोई नहीं घूमती, चलो लाफिंग डव का ही होगा यकीनन। ठीक है, और ये डव फर्ज करो निकलती है तो उसको हम पाल लेंगे, लेकिन तो ये बुलबुल के जो अंडे हैं ना, हाँ, इनको पालने में मुश्किल होगी हमें यार, कबूतर पाल नहीं सकते बच्चे जब निकलेंगे छोटे से। एक मिनट, ट्राई जो कबूतर बैठा हुआ है ना, बल्कि ये बैठा हुआ है चार अंडों पर, इनको देखते हैं कि यार कोई अंडा अगर खराब हुआ पड़ा है इन चार अंडों में से, हाँ, तो एक अंडा हम उठा लेते हैं, अच्छा, और ये लाफिंग डव का अंडा फिर इसके नीचे रख देंगे। ठीक है करो ऐसे ही करो। एक मिनट मुझे देखने दो, सिप्टन पहले तो ये अंडे चेक करो, एहतियात से ये बच्चे बन रहे हैं, इनमें कितने बन रहे हैं पहले इनको भी चेक करते हैं। वो खरगोशों को तुम खास डालो, चलो खोलो इसको, अंदर जाओ, ये घास ना ऐसे फैला के रख दो, गिरा दो यहाँ पर, यहीं पे गिरा दो, बस ये खाने भी आ गए यार, बेचारे भूखे थे सारे आ गए। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चलो यार जो काम करना है ना मेन वही काम करते हैं, हाँ करो करो करो, हाँ ये ठीक है अंडा से, अंडा अच्छा, हाँ इसमें है क्लॉट्स है, हाँ ठीक है। और ये टटेयर के थे बुलबुल के थे यार, वो तो बुलबुल का कह रहा था बाकी पता नहीं, इसमें से टाइम प्रोसेस नहीं शुरू हुआ मेरे ख्याल में, ये अंडे ताजे हैं, ताजे अंडे, अच्छा नहीं, कितने दिनों में बच्चे निकलते हैं बुलबुल, मुझे नहीं पता है। भाई आप सब जो है ना जो देख रहे हैं ना वीडियो, आप सब ने बताना है कि बुलबुल के अंडों में से कितने दिन बाद जो है ना बच्चे निकलते हैं। इधर हो, मिल गई कबूतरी, आ जाओ सिप्टन, ये देखो और है कोई, हाँ ना इस कबूतरी ने ना, बाजी कबूतरी ने, हाँ इसने परसों अंडा दिया है, अच्छा, और इसने सिर्फ एक ही दूसरा अंडा भी दे दिया इसने, अच्छा अच्छा, दो अंडे दे दिए इसने, आज का है ताजा अंडा, ठीक है, मतलब ये लाफिंग डव के अंडे को इनक्यूबेट कर सकती है ना, रख दो भाई टाइम वेस्ट नहीं करो, बस ऐसे रख ही दो। करते हैं यार ये जल्दी निकल आएगा, फिर हम इसका बच्चा उठा लेंगे, ठीक है, इसी ऐसे ऐसे ही करते हैं सिप्टन, तो आराम से रखना, इसको नजर नहीं आना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तोड़ देगी, ये पल जाए, रख दिया यार, रख दिए अल्लाह करे यार पल जाए, बस बुलबुल के बच्चों का क्या करें यार, मेन चीज मैं कहता हूँ इसमें से निकले हैं बच्चे, उसमें से चाहे ना भी निकले ये निकलने चाहिए। नाइटिंगेल एग्स हैचिंग टाइम, भाई हमें बुलबुल का नहीं पता ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले उसका देखा है,
अभी देखा है कि भी कितने 13 days. अच्छा 13 दिन में, मतलब लाफिंग डॉग की तरह तकरीबन ऐसा ही है. तो भाई ये तो पता चल चुका है 13 दिन में निकलेंगे भाई. सही है, अब करो कहीं हिसाब किताब भाई. अब पहले नेस्ट बनाओ और फिर शुरू हो जाओ. नरम होना चाहिए बस. हाँ ये वाला सही है. ठीक है, जितना नरम होगा ना उतना फायदा होगा, क्योंकि छोटे अंडे है ना. बुलबुल के लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, नरम चीज. तो यार अब दो कबूतरी हैं सिप्तान, एक इस कोने में बैठी है. इसने तकरीबन 7 दिन हो गए अंडे दिए हुए हैं. ठीक है, इस कबूतरी ने कल अंडा दिया है. अच्छा, शायद कल या परसों दिया है. ठीक है, अब इसने दूसरा अंडा देना है. ठीक है, तो इसके नीचे रखें या इसके नीचे रखें? भाई यही, यही सही है. जिसने अभी अंडा दिया ना उसके नीचे बेस्ट रहेगा. तो फिर पहले इसका नेस्ट बनाना पड़ेगा हमें. ठीक है, फिर अंडा रखते हैं इसके नीचे, देखते हैं फिर इस नेस्ट को ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये तो देखना पड़ेगा ना. क्यों, जरूरी है, बैठेगी यार? नहीं नहीं, हो सकता है नहीं बैठे. चलो पहले इसको हटा दो. हटा देते हैं इसको. और ये इसका बाप कौन है? लेते हैं वो जो जिसका मोटा नाक है उसका. अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो अच्छा बच्चा है, तो बाकियों को भी खिलाते पिलाते हैं. दिखाते हैं, आप देखते हैं बैठती है या नहीं बैठती. पीछे हो जाओ, पीछे हो जाते हैं यार. ये ना हो कि अपने अंडे पे ही ना बैठे, ये तो और बात है, अपने पे ही ना बैठे. बस ये क्या किया यार सिप्तान, इतना नाजुक भी होता है. मेरे ख्याल में खराब था. नहीं था खराब यार, खराब नहीं, खुद टूटा है यार. ऐसे हल्का सा मेरा हाथ लगे, टूट गया है. बहुत नाजुक है यार, मैं हाथ मेरा सुन्न हो गया. मैंने इतने ध्यान से पकड़ा हुआ था ना इसको. गुस्सा नहीं करना यार, मेरी गलती नहीं है. तुमने एहतियात से यार उठाने चाहिए थे. वो देखो जा रही है कबूतरी, जा रही है. अल्लाह करे यार बैठ जाइए. अभी दो अंडे तो हैं, चलो दो अंडे. चलो कोई नहीं, मैं हाथ भी नहीं हिला रहा. अगर ये सारे टूटते ना तुम्हारी खैर नहीं थी सिप्तान. चलो एक टूटा, शुक्र है. चुप करो, उसको देखो जा रही है. अभी डर रही है यार, वो कह रही है कि पता नहीं मेरा घोंसला ये तो नहीं था, ये कैसे घर हमारा चेंज हो गया. ये रख देता हूँ यार मैं, ये पहला अंडा. ऐसा से ध्यान से. बिस्मिल्लाह यार, मुर्गी के अंडे भी तो हम रख देते थे इनके नीचे यार. ये बहुत छोटे, डर लगता है. कंचे जितने हैं, पैर ना है बस इसका. ख्याल से बच्ची नाजुक है. ये दूसरा भी रख दिया. बस अब यही दुआ है कि पहले तो ये अंडे टूटे ना. ठीक है, क्योंकि कबूतरी का पाँव आएगा ना टूट जाएगा. बहुत नाजुक था, मेरे हाथ में भी एक टूट गया है. दूसरा ये है कि इनमें से बच्चे निकल आए. जब बुलबुल के बच्चे कबूतर निकालेगा ना तो बहुत ही यार एक अनोखी चीज़ हो जाएगी. तो ये हो जाए ना बहुत मज़ा आएगा यार. और ये बेचारे लावारिस से अंडे थे, पता नहीं इनका क्या फ्यूचर था, कोई नहीं था. चलो यहाँ पे चलो, इनका एक नई जिंदगी अगर इनको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं पूछा था सिप्तान भाई, उसने कहा है पता नहीं कुछ ऐसा जल्दी बोला है उसने, मुझे समझ भी नहीं आई. बस यार अब रख तो दिए हमने. हाँ. बाकी अब पता नहीं लाफिंग डव कब, तो मुझे लगता है कि बच्चा निकल आएगा. लेकिन इन बुलबुल का हमें कोई पता नहीं है, बच्चा निकलता है अंडे में सही से, इंक्यूबेशन होती है या नहीं होती कुछ नहीं कह सकते. अभी हम जस्ट ये वेट कर रहे हैं कि वो कबूतरी इनको अपने नीचे रख दे और फिर हमें तसल्ली होगी कुछ के चलो जी बैठ तो गई है. बाकी नसीब निकले ना निकले, कबूतरी ने तो एक्सेप्ट किया है. लेकिन अभी ना वो अपने अंडे पर बैठ रही है, ना ही बुलबुल के अंडे पर बैठ रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता. थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कबूतरी क्या करती है. ये ऊपर चल रही है, मुझे लगता है तोड़ ना दे ये अंडे. बैठ रही है, बैठ रही है. कैसे चल रही है अंडों के ऊपर ऊपर? अच्छा यार इसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं सिप्तान, अभी इसको आराम से बैठने दो, ये बैठना चाह रही है. मैं ये लगा रहा था सिप्तान. अच्छा मैं सोच रहा हूँ ये जो पौधा बचा है ना कल, हाँ ये मैं इधर लगा दूं. क्या पता यार ये हो जाए, इधर हो जाएगा ना. वैसे यहाँ पे भी हमने पौधे लगाने हैं भाई. ट्रिक होती है मुझे जो नहीं आती. सही बात है, आती है यार, क्यों नहीं आती. सिखा दिया मैंने तुम्हें. अभी तो बहुत बदसूरत लग रहा है, अजीब सा लग रहा है. लेकिन ये सारा होगा सेट, यहाँ पे क्यारी बिल्कुल सेट हो जाएगी. और कलर्स करने हमने ये सारे ही दीवारें और ये वगैरह वगैरह सारा सेटअप अभी रहता है यार, फिनिशिंग रहती है. फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे टायर्स वगैरह लगाएंगे हम, उसमें पौधे लगाएंगे, बहुत खूबसूरत बन जाएगा. अभी हमने मेन मेन मोटे मोटे काम कराए थे जैसा कि आपके सामने ये वाले सारे, लेकिन फिनिशिंग रहती उसके बाद बहुत अच्छा लुक आ जाएगा हमारे पूरे सेटअप का. और यहाँ पे देखते हैं कि कबूतरी अभी तक वैसे ही घूम रही है, चक्कर काट रही है, बैठी नहीं है अभी तक. हाँ कैसे होता है यार, मैं ड्रेन करना चाह रहा था, मैला हो गया पानी. अच्छा हमने फिशेज लेके आनी है ना भाई, इसका ऐसे करो उस तरफ. हो गया हो गया, वहाँ से निकल रहा है पानी. देखो हाँ ये यहाँ से देख रहे हो. यार ये तो खाली हो चुका है, सारा पानी ड्रेन हो गया है. और अभी चेक करते हैं कि हमारी कबूतरी बैठी है कि नहीं बैठी. अभी तक जो है ना ये कोशिश कर रही है बैठने की, तो ये बैठेगी यार. अभी चेक करते हैं, एक दो मिनट और वेट करते हैं, ये बैठ जाएगी. बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ यार.
ये अंडे बहुत छोटे हैं यार, हाँ टूट जाएंगे इसके नीचे आएंगे ना उसके वजन के साथ में टूट जाएंगे। तुमने कितना वजन दिया था, टूट गया था ना, तो ये हम मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हमारे खुमरे हैं ना, हाँ ये खुमरे ना अंडे देने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, ये अंडे यहाँ पर रखते हैं खुमरे, आजकल नेस्ट बना रहे हैं अपना, ठीक है ठीक है, तो इधर ही रखते हैं। तो फिर खुमरे पाल लेंगे इनको, खुमरे पाल लेंगे तकरीबन। वैसे भी इसके अंदर अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, इसमें बच्चा नहीं बना हुआ, तो चलो नसीब यार निकला है बस देखें क्या होता है। यार ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।